वो नहीं जी नहीं मरेंगे हम लोग कुछ नहीं ऐसे पहले से काम लगा है इस रखा जी बेचारे ऐसे। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं किफायतुल्लाह सईद, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज़। इस वक्त मैं पेची डिवीज़न डोडा में हूं और मेरे साथ यहां पर बहुत ज़्यादा लोग जमा हुए हैं। सोशल डिस्टेंस का पूरा पूरा ख्याल इन्होंने रखा है और आप मेरे पीछे बैनर देख सकते हैं कि लैंड डोनर, पेची लैंड डोनर यूनियन जो है, इनके साथ मैं बात करूँगा आखिरकार ये इस कोरोना महामारी में क्यों यहाँ पर जमा हुए हैं, क्या कारण रहा है। जी सर, आपका नाम? सर मेरा नाम प्रीतम सिंह कोतवाल, मैं कोतवाल है, मैं लैंड डोनर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। तो आज हमारा मकसद जो था कि आज एक तो एक साइड से कोरोना वायरस चल रहा, तो दूसरी तरफ से हम लैंड डोनर्स की महामारी की वजह से, इन लोगों की वजह से हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने एक सर्कुलर निकाला था गवर्नमेंट ने 17 और 30 जो सर्कुलर निकला था लैंड डोनर्स के ऊपर, क्योंकि जो लैंड डोनर जिन लोगों की ज़मीनें में रिजर्वायर बने, ट्यूबवेल बने, फिल्टर स्टेशन बने हैं, तो उन लोगों को एक एक बंदे को जाप देंगे। तो उसके बावजूद इन लोगों ने 14 महीने में ऑर्डर किए, तो 14 से लेकर 19 तक जो है तो ये हमें सैलरी इन लोगों ने दी हमें, तो वहाँ से इन्होंने एक क्या ड्रामा मचा दिया कि जिन लोगों के 12 वाउचर्स हैं तो उनको सैलरी दी जाएगी, जिनके 12 वाउचर कंप्लीट नहीं हुए तो उनको सैलरी नहीं दी जाएगी। एक तो हम लोगों की एक एक नाल ज़मीन ली है डिपार्टमेंट ने, सर्कल के मुताबिक हमारे ऑर्डर हुए हैं, और उसके बावजूद गवर्नमेंट ढूंढ रही है हमारे 12 वाउचर। जब इन लोगों ने हमें सैलरी नहीं दी है तो हमारे 12 वाउचर्स कहाँ से बनेंगे? हाँ, सिर्फ खाली ईद और दिवाली पे जो हमें सैलरी मिलती थी तो वो भी अब इन्होंने बंद कर दी है। तो आने वाले समय में देखो, आजकल तो रमज़ान का महीना चल रहा है, हम ये नहीं सोचते थे कि हम लोग अपने लोगों को मुश्किलात में डालेंगे, लेकिन हमारे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे एक्सिन साहब और एससी साहब जो यहाँ पे हैं, तो हमें इनको भी कई बार हम इनसे मिले, मेमोरेंडम हमने इनको सबमिट कराए, उसके बावजूद भी इनकी जून तक नहीं रिंग रही है। तो अब हमने ये सोचा है कि आज इनको हम मिले थे, कल शाम को एक रिलीज ऑर्डर आया था कि जिसमें कि सभी लोगों को दो महीने की तनख्वाह मिलेगी। तो लेकिन आज हम सुबह हमारा डेपुटेशन जो तो एक्शन साहब से मिला, तो उनसे हमें निराश ही होना पड़ा, उन्होंने बोला कि आपके लिए ये पैसा नहीं आया है। एक तो हम लोगों की कनाल जमीन भी इन लोगों ने ली है, हमारे पास गवर्नमेंट ऑर्डर है, तो ये तो हमें पानी बंद करने के लिए इनको एक मेमोरेंडम सबमिट किया कि हम ये आने वाले 1 तारीख से जो हम तो पानी बंद कर रहे हैं, इसकी रिस्पांसिबिलिटी जो होगी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये रहेगा, इसकी जिम्मेवारी जो सब इन पे रहेगी कि हम पानी बंद करें। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम पानी बंद कर देंगे, उसके बावजूद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में अब ईद है, हम लोग कहाँ से अपने बीवी बच्चों के लिए खर्चा पूरा करेंगे? हमारे बीवी बच्चे तो यही उम्मीद लेकर बैठे थे कि आने वाली ईद है, ईद के लिए हमें कुछ ना कुछ वहाँ से मिलेगा, हमारा पापा जो तो कुछ ना कुछ हमें ईद पर देगा, लेकिन हमें यहाँ से भी निराश होना पड़ रहा है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, आपकी जो एटीएन न्यूज़ है उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी फक्तन हमारी जो आवाज़ बुलंद करती है, तो हम आपके मीडिया के हिसाब से बताना चाहते हैं कि 1 जुलाई से हम जो पानी बंद, मई से हम जो पानी बंद कर रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी जो होगी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, हमारे जो एक्शन साहब हैं उनकी जिम्मेवारी रहेगी। हमारे पास यही एक ऑप्शन है कि हम वहाँ पे ताला बंद करके अपने वहाँ पे फिल्टर स्टेशन पे बैठेंगे, और दूसरा किसी भी कैटेगरी के लोग वहाँ पे आएंगे हम उनको छोड़ेंगे नहीं, और इनकी रिस्पांसिबिलिटी जो होगी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ लैंड डोनर यहाँ पर है, पेड लैंड डोनर है, जिस तरह के आप देख रहे थे आए दिन अनपेड लैंड डोनर का प्रोटेस्ट होता रहता था, उनको कुछ नहीं मिलता था, कोई ऑर्डर उनके पास नहीं था, कुछ नहीं था, उन्होंने एक एक कनाल ज़मीन दी थी, और आज मेरे साथ लैंड डोनर है जिन्होंने ज़मीनें तो दी, इनको ऑर्डर तो हुआ, कुछ ना कुछ तनख्वाह तो मिली इनको, मगर इनको आज निराश होना पड़ रहा है 12 वाउचर के इशू की वजह से। इनका जो 12 वाउचर का राइडर लगा है वो रिमूव नहीं हो रहा है, बार बार इनको यही बताया जा रहा है, और कल शाम को हमने एक न्यूज़ रिलीज़ की थी जिसमें हमने ये बताया था कि तमाम डिपार्टमेंटों को जितने भी डेलीवर है 61,000 उनके लिए 2-2 महीने की जो सैलरी है वो सेंक्शन हो चुकी है, कुछ डिपार्टमेंटों के जो अकाउंट है उनमें भी मुलाजमों के अकाउंट है उनमें चली गई है, कुछ में जो है अभी 2-4 दिन तक चली जाएगी, उसी के रिलेटेड इन्होंने आज ये प्रोटेस्ट यहाँ पर किया है, और इनका जो कहना है कि एक्सएन साहब ने इनको ये कहा यहाँ पर कि आपके लिए वो 2-2 महीने की सैलरी नहीं थी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें, शुक्रिया। सर फोन के चल तुम बेटर है।